जो मोदी जी को अपना बाप समझ रखे हैं वो अंधभक्त हैं, जो हर बात पे चीर देंगे, हर बात पे मारेंगे अगर मोदी के खिलाफ बोले तो। अरे भैया काहे मारोगे, हम मोदी के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं। अगर हम सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, हमें संविधान ने अधिकार दिया है, मोदी जी ने खुद कहा है कि लोकतंत्र बचाना है तो सरकार से सवाल पूछो। अंधभक्तों के समझ में आता ही नहीं है बात। अंधभक्त की क्या परिभाषा है? पहले तो भैया आपको अनपढ़ होना चाहिए, गंवार होना चाहिए, 4-6 मुकदमे होने चाहिए, बलात्कारी होना चाहिए, चोर डकैत होना चाहिए। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल नहीं चल रहा महाराज, ये जहर काल चल रहा है। जनता को एक मोदी नामक वायरस हो गया है कि जिनको ये वायरस हो जाता है ना, उनको महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, भुखमरी नहीं दिखती, आए दिन महिलाएं नोची दे जा रही हैं वो नहीं दिखता, कुछ भी कोई कर दे। रामदेव ने जो बयान दे दिया, अंधभक्तों को दिखेगा ही नहीं। जिसको मोदी नामक वायरस हो गया है ना, दिखेगा कुछ नहीं। वायरस एक बिल्ली ने चूहे को मुंह में अपने दबा लिया, और जब वो सीढ़ी पे चढ़ रही थी ना तो चूहा बोल रहा देखो विकास हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस देश में विकास हो रहा है। महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ रही है, शिक्षा के मामले में देश नहीं बढ़ रहा, लेकिन अंधभक्ति के मामले में देश को चैंपियन वर्ल्ड मिलना चाहिए, विश्वकप मिलना चाहिए, जितने भी बड़े पद होते हैं ना सबसे बड़ा पद। अभी तो न्यूज आया 80 करोड़ जब यहाँ पे राशन की कतार में लगे हैं तो 7 लाख कट कर टैक्स माफ हो जाएगा, घंटा टैक्स देंगे जब हमारे पास कमाई नहीं होगी, जब कमाई होगी तभी तो टैक्स देंगे। यहाँ पे 8.7% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, जब इनकम नहीं होगी तो घंटा टैक्स देंगे, किस बात का टैक्स? अच्छा क्या जी, मोदी जी की मजबूरी है। मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, सरकार दो लोग चला रहे हैं, एक तो संघी एक तो उद्योगपति। अंधभक्तों की तो 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। मोदी सरकार ये बात करेगी? हम नहीं करते भैया। मोदी सरकार इस पे भी सदन में चर्चा करेगी, अंबानी अडानी पे नहीं करती लेकिन इस बात पे जरूर चर्चा करेगी। ये चाय पे चर्चा कर लेंगे, परीक्षा पे चर्चा कर लेंगे, मन की बात कर लेंगे, लेकिन सदन पे अडानी के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। अभी मोदी जी ने जल्द में ही कहा, बोला इस्लाम का मतलब होता है अमन, प्यार, भाईचारा, शांति। और ये रामदेव ढोंगी अपराधी जिसने अभी महिलाओं का भी अपमान जल्द में ही किया था, अरे आप तो बिना कपड़ों के अच्छी लगती है, अरे तू खुद नंगा हो जा भाई, जब तू दूसरों को बिना कपड़े को देखता है, अरे काहे आपके घर में बहन बेटी नहीं है का? नहीं है। अगर कोई बोलता भी अडानी के खिलाफ तो भैया अच्छा अडानी के खिलाफ बोलोगे, भैया माइक हटाओ, चलो हटाओ, बंद करो, ऐसा करते हैं लोग। साजिशें जो रच रहे वो एक दिन झुक जाएंगे, साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा।